हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्री डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोर्स। अभी आपके दिमाग में ना कुछ सवाल आ रहे होंगे, पहला ये इंसान कौन है, दूसरा हम इससे ये ट्रेनिंग क्यों करें और तीसरा ये फ्री क्यों है। मैं सारे जवाब आपको देता हूं और इस ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर पूरे 5 साल हो चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, और जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो पहले मैंने सीखा था, फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी, जॉब के बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। अब मेरी 3 कंपनियां जो सक्सेसफुली रन कर रही है, सबसे पहला मेरा पर्सनल ब्रांड है डिजिटल डायरे, उसके बाद हमारा एक कोर्स की कंपनी होती है जो क्रिएटर लेगेसी है, और थर्ड हमारी एजेंसी है जिसका नाम है एड्स इकोसिस्टम, दैट इज़ बेसिकली अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी। अब इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको वही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जिस तरीके से हम अपनी एजेंसी को रन कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, आपको बड़ी एजेंसी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका मिशन विजन इतना बड़ा होने की ज़रूरत नहीं कि आप बड़े क्लाइंट को सर्व नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास बड़े क्लाइंट नहीं आ रहे, हाई टिकट क्लाइंट को कैसे क्लोज करना है, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर सीखेंगे। अभी ऐसा हुआ था, एक मीटिंग में जब मैं गया था तो वहाँ पर बहुत सारी एजेंसी बैठी थी जो कि 20-30 साल पुरानी एजेंसी थी, और जिस कंपनी के लिए वो लड़ रहे थे, जो फाइट कर रहे थे, वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी थी। तो ऐसे टेंडर निकलते हैं, सारी एजेंसी जाती है, अप्रोच करती है, लेकिन वहाँ पे हमें प्रोजेक्ट मिल गया था क्योंकि हमारी 2 साल पुरानी एजेंसी थी, स्टिल हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया। एक सही अप्रोच लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एजेंसी के अंदर, आपको अपना नेश नैरो डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि आप अपनी खुद की प्रॉफिटेबल एजेंसी किस तरीके से बिल्ड करेंगे, क्योंकि जो ज़्यादातर एजेंसी होती है ना वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती है। अभी हम इसके अंदर बात करने वाले हैं सेल्स के बारे में, एक्विजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, वेबसाइट कैसा होना चाहिए, टैक्सेस कैसे आप मैनेज करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे मल्टीपल कोर्सेज करे हैं, काफ़ी सारे मास्टरमाइंड ज्वाइन करे हैं, और उसके बाद जो भी मेरा एक्सपीरियंस है हम इस ट्रेनिंग के अंदर शेयर करने वाले हैं। इवन हर ए से लेके जेड तक सारी चीज़ है, चाहे आपका टैक्सेस के बारे में हो गया, आपकी हायरिंग और फायरिंग के बारे में हो, किस तरीके लोग आपको हायर करना है, आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन कम कैसे जाएगा, एक्सपेंसेस कम कैसे होंगे, प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है, और एजेंसी को किस तरीके से स्केल करना है, तो ये सारी चीज़ें हम इस ट्रेनिंग के अंदर सीखने वाले हैं। इवन आपका वेबसाइट कैसा होना चाहिए, फनल कैसा होना चाहिए, सेल्स किस तरीके से क्लोज करोगे, क्लाइंट आपके पास तक कैसे आएंगे और आप क्लाइंट के पास तक कैसे पहुंचेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोर्स के अंदर। और ये फ्री समझ के फ्री मत समझना, क्योंकि इसमें मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी सोशल मीडिया के ऊपर मुझे अपना जो ऑडियंस बेस बिल्ड करना है वो मैच्योर ऑडियंस बिल्ड करनी है। इससे पहले हमारा जो टॉपिक था जिसके ऊपर हम वीडियोस बनाते थे वो इंस्टाग्राम था, वो यूट्यूब था, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा मैच्योर ऑडियंस नहीं होती है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। लेकिन अभी हमें कॉर्पोरेट लेवल के ऑडियंस के पास पहुँचना है, तो हम इस तरीके का कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं, एंड दिस ट्रेनिंग इज़ गोइंग टू बी सुपर सुपर यूजफुल फॉर यू, क्योंकि ये 5 साल के एक्सपीरियंस से बन रही है, और जो एक्चुअल में मैं अभी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ अपनी एजेंसी को ग्रो करने के लिए, वो सारे सीक्रेट हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, नेक्स्ट लेसन के अंदर हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरे ट्रेनिंग को मैंने बिल्ड करा है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, जिससे आप एक भी लेसन मिस ना कर पाओ। ये था अनाउंसमेंट वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो, कि आप इसमें क्या सीखने वाले हो। नेक्स्ट लेसन में हम बहुत ही पावरफुल चीज़ें सीखने वाले हैं। सो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। और हाँ, एक और चीज़ आपके फायदे के लिए चीज़ बोलना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना बच्चों का खेल नहीं है। उससे पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग एक प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, अगर आपने वो सीख लिया तो आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को रन कर सकते हैं। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता है, डोंट वरी, उसका सॉल्यूशन है, हमने एक पूरा ट्रेनिंग इन डेप्थ बिल्ड करा है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अगर आप उसको करेंगे तो आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीख जाएंगे। ऊपर आई बटन में पॉपअप हो क्या है, वहाँ पे क्लिक करके आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। इस कोर्स से पहले ये वाला कोर्स करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको कर लेना अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, अगर आती है वेल एंड गुड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।